हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा हार्ट। तो आज बात होगी हार्ट और उसकी पोजीशन के बारे में। सो हार्ट इज़ अ कोन शेप्ड ऑर्गन एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है और 225 ग्राम होता है वुमेंस में और 310 ग्राम्स होता है मेन में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बॉडी शेप। यूजुअली वुमेंस जो होता है उनका बॉडी जो होता है बॉडी शेप वो छोटा होता है और उनके ऊपर हार्ट की फंक्शनिंग कम होती है। इस वजह से वुमेंस में हार्ट का जो वेट होता है वो भी थोड़ा सा कम देखा जाता है और कंपैरेटिवली मेंस में ज़्यादा देखा जाता है, जो कि है 310 ग्राम्स। सो अब बात होगी इसकी पोजीशन के बारे में। सो इट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी इन द मीडियम स्टर्नम। तो ये होता क्या है, मीडियम स्टर्नम होता क्या है, ये स्पेस होती है बिटवीन द लंग्स। हमारे दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं मीडियम स्टर्नम। देन आफ्टर इट लाइज लिटिल मोर इन द लेफ्ट देन द राइट। बहुत लोग कहते हैं कि लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। नहीं, 1/3 ऑफ द हार्ट जो होता है वो राइट में होता है एंड अदर 2/3 जो होता है वो लेफ्ट में होता है। देन आफ्टर इट लाइज बिटवीन द सेकेंड रिब टू द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इसका क्या मतलब हुआ, इस डायग्राम के थ्रू देखिएगा कि ये जो हमारा हार्ट है वो सेकेंड रिब से लेके फिफ्थ रिब और फिफ्थ और सिक्स रिब के बीच में जो स्पेस है इंटरकोस्टल स्पेस, वहाँ तक लाई करता है। ठीक है, ये हमारा हमने एक छोटा सा डायग्राम है, ये हार्ट है, ये हमारी रिब्स हैं, ये स्टर्नम है। सो सेकेंड सेकेंड रिब से लेके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक ये आता है। देन आफ्टर ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द हार्ट। कौन कौन से ऑर्गन्स इसके आसपास में होते हैं? सो इन्फीरियरली यानी कि नीचे डायफ्रैगम होता है। जैसे ये देखिए, ये डायफ्रैगम इसके जस्ट नीचे पे है। देन आफ्टर सुपीरियरली एओर्टा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन एंड आर्टरी। सो इसके ऊपर पे ये हमारी ग्रेट वेसल्स होती हैं, जो कि एओर्टा होती है, पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है और सुपीरियर वेना केवा होती है। ये हमारे हार्ट की ऊपर साइड में लोकेटेड होते हैं। देन आफ्टर लेटरली यानी कि बगल में कौन होता है? सो इसके बगल में यहाँ पे लंग्स होते हैं हमारे दोनों ही, प्लस एंटीरियरली क्या होता है मतलब आगे की तरफ, स्टर्नम और रिब्स। जैसे कि आप इसके आगे देख सकते हैं तो ये हमारा स्टर्नम है प्लस ये हमारी रिब्स हो गई। ये इस तरीके से होता है। ओके, से अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, यानी इसमें कौन कौन सी मसल्स यूज़ हो रही हैं ऐसा सब। सो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जो कि है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो होती है वो सबसे ऊपरी लेयर होती है, आउटरमोस्ट लेयर होती है। देन आफ्टर मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है और मसल्स की होती है बेसिकली, और एंडोकार्डियम हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग पेरिकार्डियम पे। सो इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आउटरमोस्ट लेयर होती है। इट इज़ इनइलास्टिक इन नेचर, दस प्रिवेंट ओवर डिस्टिंक्शन ऑफ द हार्ट। ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक नेचर की नहीं होती है, इनइलास्टिक नेचर की होती है। और इसके होने के पीछे रीज़न क्या है, ताकि जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट ना कर जाए। देन आफ्टर जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर होती है वो 2 लेयर्स का कॉम्बिनेशन होती है। आउटर सैक जो होता है वो हमारा होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम ही इन इलास्टिक इन नेचर होता है। और दूसरा हमारा होता है इनर लेयर में। इनर लेयर में भी 2 लेयर्स होती हैं, एक होता है पेराइटल, एक होता है विसरल। सो पेराइटल अगर इसको डायग्राम के हिसाब से समझा जाए तो ये सबसे पहला होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि इनइलास्टिक इन नेचर होता है और हार्ट को बहुत ज़्यादा डायलेट नहीं होने देता। देन आफ्टर ये होता है हमारा पेराइटल पेरिकार्डियम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है ये, पेराइटल पेरिकार्डियम। सो पेराइटल पेरिकार्डियम हमारा सेरस पेरिकार्डियम का पहला लेयर होती है, क्योंकि सेरस पेरिकार्डियम ही 2 फर्दर क्लासिफिकेशंस में होता है, पेराइटल और विसरल। सो पेराइटल और विसरल के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और इसी के अंदर पेरिकार्डियम फ्लूड होता है। सो पेरिकार्डियल फ्लूड जो होता है वो सेरस लेयर ही जो होती है, जो सेरस मेम्ब्रेन होती है इससे बन निकलता है। और ये क्यों होता है, ताकि जो भी हार्ट बीट के दौरान हार्ट को किसी भी तरीके की इंजरी ना हो जाए और हार्ट जो है वो स्मूथली बीट करता रहे। यह आगे लिखा हुआ है, इट सिक्रीट्स सीरस फ्लूड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूड। जो पेरिकार्डियल स्पेस में हमारा फ्लूड एक्यूमुलेटेड था वही होता है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूड। देन हम बात करते हैं मायोकार्डियम के बारे में। सो मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स,
जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं वो हार्ट के अलावा और कहीं प्रेजेंट नहीं होती हैं, और ये बिना कभी रुके काम करती रहती है और इनवॉलेंट्री होती है इन नेचर, ठीक है। सो उसके बाद होता है ये थिकेस्ट लेयर होती है पूरे हार्ट में, क्योंकि मसल लेयर होती है और इसको सबसे ज़्यादा फंक्शन करना होता है, इसीलिए थिकेस्ट होती है ताकि सफिशेंटली और इफ़ेक्टिवली काम कर सके। देन होगा इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस विद इन द हार्ट, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस एस ए नोड और ए बी नोड जनरेट कराता है वो हमारा मायोकार्डियम लेयर के अंदर ही ट्रांसमिट होता है ताकि हार्ट बीट कर सके। देन हमारा लास्ट आता है एंडोकार्डियम। सो एंडोकार्डियम हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है हार्ट का, और ये थिक काफ़ी थिन होता है और स्मूथ होता है, और जिससे थिन और स्मूथ होने का रीज़न ये है ताकि स्मूथली ब्लड जो है वो फ्लो होता रहे। इसमें अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारा मायोकार्डियम लेयर है जो सबसे ज़्यादा थिक है, और ये होता है एंडोकार्डियम। ये काफ़ी थिन देखने को मिल रहा है और ये स्मूथ है, इसके ऊपर कोई भी ऐसा स्केली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, वो इसी वजह से ताकि जो ब्लड है हमारा वो विद इन द हार्ट स्मूथली फ्लो होता रहे। सो आई गेस आपको स्ट्रक्चर और उसकी लोकेशन समझ में आ गई हो। टिल देन थैंक यू।